हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रेमुनरेटिंग लेबर, यानी लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। पहली यूनिट में अपन लेबर टर्नओवर रेशियो के बारे में देख चुके हैं, और अपनी लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर सेकंड यूनिट है मेथड्स ऑफ रेमुनरेटिंग लेबर, यानी पारिश्रमिक की विधियाँ। यानी एक मजदूर को, एक वर्कर को फैक्ट्री में बनाए रखने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए और उसकी वर्क इफिशेंसी बढ़ाने के लिए किस प्रकार अपने को रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए, पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यानी इस प्रकार अपने को पारिश्रमिक देना है कि ताकि वो उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती रहे और वो फैक्ट्री में बना रहे और वो प्रोत्साहित होकर काम करता रहे। अब इसकी मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे अपन। इसमें मेथड्स एक तो टाइम रेट के आधार पर हो सकती है, टाइम रेट मेथड्स, यानी टाइम के अकॉर्डिंग हो सकती है। टाइम रेट के अकॉर्डिंग पहली मेथड है इसमें नॉर्मल टाइम रेट मेथड, सामान्य समय दर विधि। सामान्य सम नॉर्मल टाइम रेट मेथड, जैसे मान लो मजदूर 8 घंटे काम करता है एक दिन में, और 1 घंटे की मजदूरी उसको पारिश्रमिक दिया जाता है 50 रुपये प्रति घंटा। इस प्रकार उसकी टोटल वेजेस कितनी हो गई, 400 रुपये पर डे। यानी एक व्यक्ति, एक मजदूर 8 घंटे काम करता है और वो 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से उसको पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, तो उसकी टोटल पारिश्रमिक हो जाएगा 400 रुपये का, यानी नॉर्मल टाइम रेट के अकॉर्डिंग। सेकंड है हाई लेवल टाइम रेट मेथड, उच्च स्तरीय समय दर विधि। हाई लेवल टाइम रेट मेथड यानी वेजेस का पेमेंट, रेमुनरेशन का पेमेंट किस प्रकार किया जाएगा, यानी जिस फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उसके आसपास, उस उद्योग विशेष के और भी कोई ऐसे फैक्ट्रीज हैं या आसपास जो लोकल एरिया, उसमें जो फैक्ट्री जो रेट है, जो रेमुनरेशन की जो रेट है, उससे अधिक रेट से वेजेस का पेमेंट किया जाएगा, रेमुनरेशन का पेमेंट किया जाएगा। ये हो गई हाई लेवल टाइम रेट मेथड। तीसरी मेथड हो गई इसमें ग्रेजुएटेड टाइम रेट मेथड, परिवर्तित समय दर विधि। इसमें क्या होता है कि जो रेमुनरेशन का पेमेंट किया जाएगा उसकी रेट्स में जो जीवन निर्वाह उपरिव्यय सूचकांक जिस प्रकार घटते बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार इसकी रेट में चेंजेस होते रहते हैं। ये तो हो गए टाइम रेट के अकॉर्डिंग। अब है कार्य दर के आधार पर पीस रेट मेथड, पीस रेट मेथड। पहली हो जाएगी स्ट्रेट पीस रेट मेथड, सरल कार्य दर विधि। यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति 20 यूनिट, एक दिन में 20 यूनिट बनाता है और 50 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसको वेजेस का पेमेंट किया जाता है। जैसे 20 यूनिट बनाता है और 50 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाता है, तो उसका रेमुनरेशन हो गया 1,000 रुपये। यदि वह 30 यूनिट बनाएगा तो 1,500 रुपये हो जाएंगे,
और यदि वो एक दिन में 10 यूनिट बनाएगा तो 500 रुपये उसकी रेमुनरेशन हो जाएगा। स्ट्रेट पीस रेट मेथड, अब हो जाएगा डिफरेंशियल फीस रेट मेथड। डिफरेंशियल फीस रेट मेथड अंतर्युक्त कार्य दर विधि, अंतर्युक्त कार्य दर विधि। डिफरेंशियल फीस रेट मेथड यानी जैसे मान लो कोई वर्कर, जैसे मान लो एक दिन में 20 यूनिट बनाता है, यदि वो 20 यूनिट से कम से बनाएगा तो उसको कम रेट के आधार पर पेमेंट किया जाएगा। 20 रेट, जैसे मान लो अलग अलग रेट डिसाइड कर दी जाती है, जैसे 10 यूनिट बनाता है उसको 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। यदि वह 20 यूनिट बनाता है उसको 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। यदि वह 30 यूनिट बनाता है 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। यानी जितना प्रोडक्शन करेगा, जितने यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके रेट में चेंजेज हो जाएगा, ठीक है। तीसरी है निश्चित दैनिक दर युक्त कार्य दर विधि। पीस रेट विथ गारंटेड गारंटेड डे रेट मेथड। निश्चित दैनिक दर युक्त दर युक्त कार्य दर विधि। इस मेथड, दोनों मेथड का परिवर्तित रूप है। इस मेथड में क्या करते हैं कि एक लिमिट तक, जैसे मान लो 20 यूनिट एक लिमिट कर दी एक दिन में, यदि कर्मचारी 20 यूनिट से कम बनाएगा तो भी उसको आश्वस्त किया जाता है कि आपको 30 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। यानी एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है और उस लिमिट से कम प्रोडक्शन होता है एक दिन में तो मजदूर को जो पर यूनिट जो सैलरी जाएगी उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। यानी एक निश्चित आधार पर तो उसको दिया ही जाएगा। यदि उसके बाद में अधिक यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो उसकी रेट बढ़ जाएगी लेकिन कम नहीं होगी, ठीक है। ये हो गए अपने टाइम बेसिस पे होगी और वर्क बेसिस पर हो गए। अब करते हैं इंसेंटिव प्लान्स। इंसेंटिव प्लान्स कौन कौन से हो गए? एक तो है आलसी प्लान, आलसी योजना। एक हो जाएगी रोवन प्लान, एक हो जाएगी टेलर डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम।
एक है इमर्सन इफिशियंसी प्लान, इमर्सन इफिशियंसी इफिशियंसी प्लान। इमर्सन कार्य क्षमता योजना, एक हो जाएगी बार्थ प्लान। एक है इसमें बेडॉक्स प्लान, बेडा योजना, बेडॉक्स प्लान। हैंसमैन मिनट्स योजना, हैंसमैन मिनट्स प्लान, हैंसमैन मिनट योजना। मेरिक मल्टीपल पीस रेट प्लान, मेरिक मल्टीपल पीस रेट प्लान। मेरिक बहुगुणी बहुगुणी मात्रा योजना, हाल से प्लान हो गया, रोहन प्लान हो गया, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हो गया, इमर्सन इफिशियंसी, बार्ट प्लान हो गया, बेडॉक्स प्लान हो गया, हैंस एंड मिनट्स प्लान हो गया, मेरिक मल्टीपल पीस रेट प्लान हो गया। अब है एक गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, गैंट कार्य गेंट कार्य और अधिलाभांश योजना। ये तो हो गए इंसेंटिव प्लान। इसके अलावा भी अदर्स प्लान हो गए जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी के हिसाब से एक बार याद कर लेना। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, हाई वेजेस प्लान, फ्रेस्ट मेन बोनस प्लान, मिनिमम वेजेस प्लान, और हो जाएगी इसमें लेबर को पार्टनरशिप प्लान, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है हाल से प्लान, रोवन प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और इमर्सन इफिशियंसी प्लान। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। ये तो हो गए अपनी मेथड्स। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में अपन हेल्सी रोवन इनसे संबंधित इनको विस्तार से समझेंगे। इससे पहले अपन